उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गुजरात से तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस खाई में गिर गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। बस 35 लोगों को लेकर गंगोत्री से लौट रही थी, तभी गंगनानी में दुर्घटना का शिकार हो गई। एक पखवाड़े में ये दूसरी घटना है जब भूस्खलन के मलबे में कार दब जाने से अहमदाबाद के 3 लोगों समेत 4 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड सरकार से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब ये 33 पर्यटक भावनगर से एक निजी ट्रैवल बस से उत्तराखंड गए और वहां से एक स्थानीय निजी पर्यटक बस से आगे की यात्रा कर रहे थे। राहत आलोक पांडे ने कहा, पर्यटक बस के घाटी में गिरने से हुई आपदा में मारे गए और घायल हुए गुजरात के पर्यटकों के विवरण और जानकारी के लिए राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार के राहत आयुक्त के साथ लगातार संपर्क में है। आयुक्त विवरण के अनुसार उत्तराखंड एसडीआरएफ बचाव दल बचाव अभियान में शामिल हो गए हैं और घायल पर्यटकों को आगे के इलाज के लिए ऋषिकेश ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जिन पर्यटकों की मौत हुई है उनका विवरण प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है। राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बारे में शीर्ष अधिकारियों से बात की और उन्हें तेज गति से राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मेडिकल टीमें मौके पर मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए देहरादून में एक हेलीकॉप्टर तैयार रखा गया है। उत्तराखंड लगातार बारिश से जूझ रहा है, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई है। प्रशासन उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। सीएम गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि बस दुर्घटना में राज्य के 7 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद प्रशासन उत्तराखंड सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और उन्होंने दुख व्यक्त किया है। मैं उस दुखद घटना से दुखी हूं जिसमें उत्तराखंड में बस के खाई में गिरने से गुजरात के तीर्थयात्रियों की जान चली गई। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, मुख्यमंत्री पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया। पटेल ने कहा, घायल नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है।